हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा गांधी डॉट इन। आज हम क्लास नंबर 17 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको रोज स्टाइल का मेहंदी डिज़ाइन दिखाया, थोड़ा डिफिकल्ट था। आई थिंक आपको करने में प्रॉब्लम आई होगी, पर मेरे को आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से कर ली होगी। और आपने उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकते हो अभी भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं आपके लिए यहाँ पे भी एक फ्लावर वाला डिज़ाइन ही लाई हूँ। इसमें भी थोड़ा मैनेजमेंट और उन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो वो हम शुरू करते हैं। और मैं आपके लिए इसीलिए पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पेंसिल का इस्तेमाल हम सिर्फ एक से दो लाइन लेके मेजर करने के लिए ही कर रहे हैं। आप चाहो तो ये कौन से भी कर सकते हो, पर जैसे कि मैं आपको सिखाती हूँ तो मुझे पेंसिल से आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक सिखाना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं पहले बनाने वाली हूँ एक लाइन जो कर्व शेप में बनेगी। और ये डिज़ाइन आप आगे पीछे कहीं पे भी बना सकते हो, अपने माइंड और मूड के हिसाब से आप बनाओ, ओकेशन के हिसाब से भी बना सकते हो। तो अब हम बनाएंगे कर्व शेप में लाइन। ओके, मतलब दोनों ओर से हमें ये पूरी तरह से प्रॉपरली खींच करके ही बनाना है, तो इस तरह से ही ये बनेगा। बस हमें इतना मेजर करना था कि हमें कौन सी लाइन कैसे बनानी है। अब हम यहाँ पे पहले तो ये लाइन जो बना ही है हमने, उसको पहले एक बार ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि ये हमारी आज की मेन लाइन है जो सबसे पहले हमें बनानी है। ओके, अब इसको हम कर लेंगे डार्क। तो इस तरह से हमारी ये लाइन और डिजाइन बनके तैयार है। अब इसके आसपास हम बनाएंगे पतली लाइंस। ओके, तो वो भी बहुत ही ध्यान से गैप को मैनेज करके बनाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप न्यू हो, अभी भी लाइंस मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, तो पहले पेंसिल से सारी लाइंस बनाए, फिर उसके ऊपर ऐसे लाइंस बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे। मैं बीच में छोड़ रही हूँ, मेरे को लाइंस मैनेजमेंट करना आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें, फिर बीच में छोड़े। कभी मेरी छोड़ी हुई लाइंस आपको बीच में कहाँ पे छोड़ी थी वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे डार्क सर्कल्स, बहुत ही बड़े बड़े। ओके, इतना हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लावर बनाना है जो गैप दिख रहा है वहाँ पे, तो हम वो भी बना लेंगे। जैसे कि मैं हूँ लेफ्टी, तो मैं लेफ्ट हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए पहले मैं ये बना रही हूँ। ओके, अगर आप हो राइटी तो आप पहले इस साइड की लाइन बनाओ और फिर ये बनाओ, ठीक है। फ्लावर आप लेफ्ट और राइट हो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मैं हूँ लेफ्टी, तो पहले मैं ये फ्लावर बना रही हूँ जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। और ये फ्लावर मुझे ये गैप के बीच में बनाना है, उतना ध्यान रख के ही मैं मेजरमेंट लेके बनाऊंगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे सीशे इस तरह से। ओके, अब इसके आसपास हम बनाएंगे कर्व लाइन पतली वाली होगी एकदम। ओके, और यहाँ पे जो गैप आ रहा है वहाँ पे हम सिंपल सिंपल डॉट बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं और बहुत छोटे भी नहीं बनाने हैं। ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम
इस साइड आ जाते हैं जो हमारी अब डिज़ाइन है। तो वो डिज़ाइन में सबसे पहले तो हम यू शेप पैटर्न बना रहे हैं। अब हम बनाएंगे फ्लावर यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं यहाँ पे आपके लिए फ्लावर ही लाई हूँ, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे फ्लावर। सबसे पहले तो हम बना लेंगे इस तरह, और उसमें अंदर जाते जाते लाइंस बना करके डॉट बनाएंगे। ओके, फिर इसके आसपास बनाएंगे यू शेप पैटर्न। अब हम बनाएंगे ये सिंपल फ्लावर है जो आपको आता होगा, और नए हो तो टेंशन मत करो। मेरा क्लास 1, 2, 3 जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक स्टेप्स लिए हैं तो वो है। और आपको बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपकी क्लास में हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर मैंने एकदम बेसिक स्टेप्स लिए हैं, तो पेन से बनाए हैं, पेंसिल से भी बनाए हैं, तो उसमें आप HD क्वालिटी करके देखें तो ज़रूर दिखेंगे। बहुत कम लोगों की ऐसी आई है, बट आए हैं, तो मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि आप उसको HD करके देखेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें हमें फ्लावर को शेडिंग करना है, तो अब फ्लावर को शेडिंग कर लेंगे हम इस तरह से, और फिर उसकी बॉर्डर बना लेंगे। और जो डॉट यहाँ पे बचे, मतलब जो नीचे गैप है वहाँ पे ऐसा डॉट बनाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे जो कोना हो रहा है उसको ध्यान में रख करके दूसरे बनाएंगे। अभी सेम फ्लावर ही लेंगे ये पूरी लाइन पे हम। अगर आपको शेडिंग की जगह पे लाइनिंग आती है सही से तब वो भी कर सकते हो। और हम यहाँ पे फिर डॉट बना देंगे। और भी आगे है वैसे ही बनाते जाएंगे। ये मेरा पेपर है तो लाइंस बन रही है, पर हाथ रहेगा वहाँ पे, ऐसे शेडिंग ही होगी जैसे कि मैं आपको तो दिखाऊंगी अभी एंड में। अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो किसी भी चीज़ से भी आप ऐसे करोगे ना तो भी आपकी शेडिंग हो जाएगी। ओके, और फिर हम यहाँ पे इसकी बॉर्डर बना लेंगे और नीचे की ओर हम एक डॉट रखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे पहले लाइंस बना लेते हैं एक, और यहाँ पे क्रॉस में ऐसे ही डॉट वाली लाइन करेंगे। आपको लाइंस मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो आप पहले पेंसिल से, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो गैप है फ्लावर्स के बीच में वहाँ पे ऐसे पहले डार्क डॉट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से इस तरह से फ्लावर बनाएंगे, सॉरी फ्लावर नहीं, फूल पत्ती है।
ओके, अब जो भी गैप है वहां पे हम इस तरह से चार डॉट इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पे भी ले लेंगे अगर यहाँ पे भी ज़्यादा गैप आपका बन रहा है तो। ओके, अब हम बताएंगे फिंगर स्पिनिंग। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो हम सारी फिंगर्स पे वन पार्ट जितना गैप बना लेंगे। ओके, फिर हम थोड़े गैप पे एक डार्क लाइन बनाएंगे, फिर उसके आसपास पतली वाली लाइन, फिर से डार्क लाइन, फिर से पतली लाइन, फिर यू शेप पैटर्न, फिर उसके ऊपर ऐसे कर्व बनाएंगे और यहाँ पे एक डॉट, ऊपर की ओर एक लाइन बनाएंगे, यू शेप पैटर्न बनाएंगे और डॉट बनाएंगे। ओके, अभी फिर से यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है। वैसा ही हम एक थंब पे भी बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बनके तैयार है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये फ्लावर का डिज़ाइन हाथ में भी करके दिखाना चाहूँगी। तो समझो मैंने यहाँ पे बनाया है ये फ्लावर। ओके, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे यू शेप पैटर्न, फिर इसके ऊपर बनाएंगे हम फ्लावर। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके शेडिंग करेंगे, जो दिखेगा बहुत ही हल्का फिर हो जाता है वो क्लियरली। ओके, फिर से यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर्स है वो हम सही कर लेंगे, क्योंकि अगर हम शेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बॉर्डर को इफ़ेक्ट होती ही है। सब जगह पे नहीं करना है, तो जहाँ पे हुई है उसकी इफ़ेक्ट वहाँ पे ज़रूर करें। और फिर हम रख लेंगे डार्क डार्क डॉट। ओके, तो इस तरह से ये फ्लावर बनेगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।